कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी कोरोना संक्रमित हो गई हैं। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने पूछताछ के लिए उन्हें 8 जून को बुलाया है। इस बीच सोनिया गांधी के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर सामने आ गई है। अब कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के चलते सोनिया गांधी ईडी के सामने कैसे पेश होंगी, ये बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। कांग्रेस की तरफ से संकेत दिए गए हैं कि कांग्रेस कानून का सम्मान करती है और जो नोटिस भेजा गया है उसका पालन किया जाएगा। नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को समन जारी किया था। सोनिया गांधी को 8 जून को जांच एजेंसी के सामने पेश होना है, जबकि राहुल गांधी को 2 जून को पेश होने के लिए बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने विदेश में होने की वजह से 8 जून तक की मोहलत मांगी है। सोनिया गांधी ईडी के सामने पेश होने को तैयार है, लेकिन इससे पहले ही वो कोरोना पॉजिटिव पाई गयी है। अब कोरोना संक्रमित पाए जाने के चलते अब 8 जून को सोनिया गांधी के ईडी के सामने पेश होने पर सवाल खड़ा हो रहा है। लेकिन कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने बताया कि बीते दिनों सोनिया गांधी जिन नेताओं और कार्यकर्ताओं से मिली थी उनमें से भी कई कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। सुरजेवाला के मुताबिक सोनिया गांधी को 1 जून की शाम हल्का बुखार आया था, जिसके बाद उनका कोविड टेस्ट किया गया जिसमें वो पॉजिटिव पाई गई। इसी के साथ उन्होंने ये भी बताया कि प्रवर्तन निदेशालय के सामने 8 जून को पूछताछ के लिए पेश होंगी। साथ ही पार्टी ने सोनिया गांधी के साथ बैठक में शामिल सभी कार्यकर्ताओं को सतर्क रहने के लिए कहा है। तो उधर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा अपनी 2 दिवसीय लखनऊ में नव संकल्प के लिए पहुँची थी, लेकिन आज प्रियंका गांधी अचानक दिल्ली वापस आ गयी। कांग्रेस प्रवक्ता पंकज श्रीवास्तव ने इस बात की पुष्टि की है कि प्रियंका गांधी नई दिल्ली वापस लौट आई हैं। वहीं जब प्रियंका गांधी से यात्रा के बीच में ही छोड़कर दिल्ली जाने का कारण पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कोई आधिकारिक कारण नहीं है। हालांकि नव संकल्प कार्यशाला गुरुवार को भी जारी रहेगी। हमारे राष्ट्रीय सचिव यहाँ है और कार्यशाला जारी है। सिर्फ प्रियंका के कार्यक्रम के अलावा कुछ भी रद्द नहीं हुआ है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।